लक्ष्मण लेते हैं तो आचमन वो नहीं है जो माता रानी का होना चाहिए। हाँ, इसमें आप खुद ही लेके देख सकते हैं, कहने की जरूरत ही क्या है, वो तो सामने है, प्रत्यक्ष को देखना क्या गुरु जी। उसको देख कर ही महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनको आचमन करना गंगा जल को, तो थोड़ा सा देख के मन जो है विचलित हो जाता है। जो मतलब ये पानी होना चाहिए ऐसा कारण नहीं होना चाहिए, और इसकी साफ सफाई थोड़ा करना चाहिए। भैया भक्तजनों से भी अनुरोध है कि यहाँ गंगा मैया है, हमारी आपकी पूजनीय है, थोड़ा आप लोग भी सहयोग करें। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं प्रयागराज में, प्रयागराज का ये गंगा क्षेत्र है, संगम क्षेत्र है, और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं और साथ ही यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा नदी को स्वच्छ करने की बातें लगातार हो रही हैं, और 2014 से अगर देखा जाए तो 2014 से 2020 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार गंगा के स्वच्छता की बात करती है, गंगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है एवं नमामि गंगे परियोजना जैसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गंगा की स्थिति बनी हुई है वो देखने लायक है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं कि गंगा की वर्तमान स्थिति क्या है। लगातार कोशिशों के बाद भी और 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा की स्थिति अभी भी जस का तस बनी हुई है। पानी बिल्कुल काला बन गया है, काला हो गया है, और इस काले पानी में लोग नहाने के लिए मजबूर हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को आचमन करने के लिए भी सोचना पड़ता है। यहाँ जो साधु संत हैं, यहाँ जो कल्पवासी हैं, इस बात को लेकर उनमें कई बार आक्रोश देखा जाता है, कई बार वो रोष दिखाते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो यहाँ स्नान करने आए थे, स्नानार्थी हैं, इनसे बात करेंगे कि गंगा का पानी जो है कैसा है और कैसा ये महसूस कर रहे हैं। क्या नाम होता है आपका? सूरज। कहाँ से आते हैं सूरज जी? कानपुर। कानपुर से यहाँ पर गंगा स्नान करने आए हैं, यहाँ पर रहते हैं? नहीं नहीं, गंगा स्नान करने आया हूँ, और बट यहाँ मेरा ननिहाल भी है और अच्छा लगता है यहाँ नहाने में आने के, इसलिए हम लोग सब लोग पूरी फैमिली के साथ आते हैं। पूरी फैमिली के साथ आते हैं, नहाने आते हैं, और कहते हैं गंगा जो है पापों को धुल देती है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है गंगा का पानी काफी ज्यादा काला हो चुका है। काला हो चुका है, जो मतलब ये पानी होना चाहिए ऐसा काला नहीं होना चाहिए, और इसकी साफ सफाई थोड़ा करना चाहिए। तो साफ सफाई करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि गंगा का पानी देखा जाता है जहां से गंगा निकलती है हरिद्वार वगैरह में, वहां पानी बड़ा स्वच्छ है, और यहां कानपुर के बाद से पानी जो है लगातार गंदा होता जा रहा है, तो आपको क्या महसूस होता है कि जो जल है इसमें स्नान करने से कैसा महसूस होता है लोगों को, या लोग कैसा महसूस करते होंगे? जैसे आप स्नान करने आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बस यही है कि मतलब स्नान करने आए तो बस यही लगता है कि आए वहां से तो स्नान ही करने आए, ये तो कह नहीं सकते मतलब क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बस यही है और क्या है। तो लोग आए हुए हैं स्नान करने, लोग आते हैं, और ये कहा जाए कि गंगा को माँ मानकर और अपनी आस्था की बदौलत स्नान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में एक भाव है वो ये है कि गंगा का पानी स्वच्छ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, माँ सरस्वती मैया की जय। हम भैया जिला मैनपुरी बेवर से आए हुए हैं। जिला मैनपुरी बेवर, ये मैनपुरी वही जिला है जो इटावा के पास में है और अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र पड़ता है। स्नान करने आए यहाँ जी भैया जी, अभी जो पानी की स्थिति है क्या महसूस होता है? आचमन लेते हैं तो आचमन वो नहीं है जो माता रानी का होना चाहिए। हाँ, इसमें आप खुद ही लेके देख सकते हैं, कहने की जरूरत ही क्या है, वो तो सामने है, प्रत्यक्ष को देखना क्या गुरु जी। तो प्रत्यक्ष को देखना क्या, एक बात कही जाती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गंगा का जो जल है इस समय वो पूरी तरह से काला पड़ चुका है। कारण इसके पीछे क्या है, ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, या तो साफ और स्वच्छ जल छोड़ा नहीं जा रहा है, या तो इसका सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, और जिसकी वजह यह है कि इतना पैसा लगातार खर्च हो रहा है, उसके बाद भी जो स्नानार्थी हैं, जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको सही जल में स्नान नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भैया भक्तजनों से भी अनुरोध है कि यहाँ गंगा मैया है, हमारी आपकी पूजनीय है,
थोड़ा आप लोग भी सहयोग करें, मतलब हमारा प्रशासन और सब लोग मिलकर करते ही हैं, लेकिन थोड़ा आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। क्यों हम आप आके यहाँ कुछ लाके, अब देखो यहाँ मतलब आप क्या कहना, क्या हम आप लोगों के क्या कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखें। और स्वच्छता तो सबसे अच्छी बात ही है हर जगह, और फिर मेरा ऐसा स्थान है यहाँ, स्वच्छ रहना बहुत अच्छी बात है। प्रयागराज बड़े हनुमान बाबा क्या यहाँ स्थान है, पंडित श्री राम जी हमारे प्रभु पधार चुके हैं, अब उनको कहने ही क्या है, सब आप लोगों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद गुरु, और जहां तक हो वहां स्वच्छता ही बनाए रखें प्रभु। तो एक बड़ी बात इन्होंने कही कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनका तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हम सब की है, यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि गंगा स्वच्छता को लेकर वो भी थोड़ा इस बात को संजीदगी से लें और ध्यान दें कि गंगा किसी भी तरह से अपवित्र ना होने पाए। आप भी स्नान करने आए जी, कहाँ से आते हैं? दमोह मध्य प्रदेश। दमोह मध्य प्रदेश, लगभग कितना दूरी होगी दमोह की? 400-450 किलोमीटर। तो सोचने वाली बात है कि ये वो जगह है जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, ये आस्था है, ये भाव है, ये भक्ति है, और उसी भक्ति की वजह से लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इतना दूर से आप आए हैं गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन पानी की जो स्थिति है उसको देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? उसको देखकर ही महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमको आचमन करना गंगा जल को, तो थोड़ा सा देख के मन जो है विचलित हो जाता है। तो गंगा की जो स्थिति है, जो गंगा जो जल है इस समय, चूंकि काला पड़ चुका है, और इस काले जल से आचमन कर पाना किसी के लिए भी सहज संभव नहीं होता है, और इसी वजह से जब भी आचमन करना होता है तो लोगों को एक बार सोचना पड़ता है, मन विचलित हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, जो भी आने वाले यहाँ पर भक्त हैं उनसे? उन लोगों को इसको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शासन प्रशासन और खुद हम लोग नागरिक को भी रखना चाहिए स्वयं को। तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ पर आने वाले भक्त हैं, जो नागरिक हैं, उन सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गंगा स्वच्छता बनी रहे, और जो भी लोग हैं वो इस बात पर भी ध्यान दें कि गंगा में कचरा ना डालें, गंगा में ऐसी कोई चीज ना डालें जिससे गंगा अपवित्र हो।